चित्र निर्माण होते वक्त मन में कई सारे विचारों के तरंग निर्माण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं नीलेश वेदे जो कि मुंबई से हैं। नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है नीलेश रविंद्र वेदे और मैं मुंबई से हूँ। मेरा जन्मस्थल है येवला, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में आता है। बचपन के कुछ वर्ष मेरे जो ननिहाल में गुजरे। मेरे नाना जी एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी जीविका के लिए साइन बोर्ड का काम करना शुरू किया था और यही वजह थी कि जिसकी वजह से मुझे कला का सारा साहित्य देखने मिलता था, मेरी उनसे पहचान हुई। बाद में छठी कक्षा से आगे की शिक्षा के लिए मेरे माता पिता ने मुझे मुंबई लाया। यहाँ आने के बाद एक अच्छी चीज़ हुई, जो कि मेरे स्कूल में कला दालन नामक एक स्टूडियो हुआ करता, जहाँ पर अन्य कुशल विद्यार्थियों के सुंदर सुंदर चित्र प्रदर्शित किए जाते थे। उनको देख बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत प्रेरित होता था, लेकिन प्रयास किए बिना मैंने एक अलग तरीका ढूंढ लिया था चित्र बनाने का। वो यह था कि मैं ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया था। मैं ट्रेसिंग करने की मुझे एक आदत लग गई थी और किसी को मैंने ये बताया नहीं था कि मैं ट्रेसिंग करता हूँ और फिर उसके ऊपर पेंसिल से ड्राइंग करके दिखाता हूँ और कहता हूँ कि ये मेरा वर्क है। और ये सारा मेरा जितना भी उस वक्त किया हुआ काम था, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स मित्रों को मैं दिखाता था और उन्होंने काफ़ी सराहना भी की, मेरे काफ़ी वाह वाह बटर हुई। बाद में धीरे धीरे यह बात कला शिक्षक तक पहुंची कि नीलेश बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। और अब यहाँ मुझे सबसे बड़ी परीक्षा जो थी यहाँ थी, जो मुझे टीचर के सामने एक स्केच करना पड़ा और उस वक्त पहली बार मैंने सच्चा प्रयास किया और जाने अनजाने में पता नहीं कैसे, लेकिन एक अच्छा चित्र बना, बहुत शाबाशी मिली। उसी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और प्रेरणा भी मिली। बाद में मैंने ट्रेसिंग पूरी तरह छोड़ दी और रेगुलर प्रैक्टिस करने लग गया स्केचिंग की। स्कूल में बाद में कई सारे अवार्ड्स भी मिले। ऐसे चलते रहा धीरे धीरे। एक बार पिताजी के साथ मैं वीटी स्टेशन के यहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने एक इमारत की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, बेटा ये जो बिल्डिंग है, एक ज़माने में मुझे यहाँ सीखने का बहुत मन, ये हमारे भारत का सबसे सर्वोत्तम कला महाविद्यालय है, इसका नाम है जे स्कूल ऑफ आर्ट। और उनकी जो कलाकार बनने की ख्वाहिश थी वो उनके परिवार ने उस वक्त समझी नहीं और उसके बाद उन्होंने अपना सामान्य जीवन शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने एक शौक अपना जीवित जरूर रखा। घर से ऑफिस के सफ़र के दौरान जब वो ट्रेन से ट्रैवल करते थे, उस दौरान उनके जेब में हमेशा पेपर के पीसेस रहते थे और एक बॉल पेन, जिससे वो बहुत ही प्यारी सी शेडिंग करके कई सारे अलग अलग स्केचेस बनाते। और बाद में जब मैंने कला शिक्षा प्राप्त करने का जब निर्णय लिया, उन्होंने उसका बड़े खुले दिल से स्वागत किया और मेरी बहुत, मतलब उनकी कमज़ोर आर्थिक हालात होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता। लेकिन आगे जाकर जल्द से जल्द मुझे कमाने योग्य होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं कला शिक्षक बनने की कोशिश करूं, जो कि मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकता हूं। एक साल का कोर्स था तो मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। जैसे पास आउट हुआ, पता चला मेरी उम्र 18 पूरी है नहीं, तो मैं कला शिक्षक बनने योग्य था नहीं। तो कहीं से मुझे पता चला कि टेक्सटाइल डिज़ाइन का एक कोर्स है, वो करो आप और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने 2 साल उसमें बर्बाद किए, 1 साल जॉब किया और फिर मुझे एक दिन सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, मुझे कुछ खुद का ढूंढना ज़रूरी है। और मुझे लगा कि सिर्फ पेंटिंग ही मुझे उसमें मेरी हेल्प कर सकता है। तो सडनली एक दिन मैंने यह निर्णय ले लिया कि अब मुझे यहाँ रुकना है। जी, इस तरह का फैसला लेना कोई आसान बात नहीं होती है। फिर आगे कलाकार बनने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन जल्द ही समझ में आया कि 1 साल का जो कोर्स मैंने किया था कला शिक्षक का, वह पर्याप्त नहीं है पेंटिंग बनाने के लिए। फिर यह भी समझ में आया कि एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के लिए कला की यात्रा सबसे अलग हो सकती है, क्योंकि एक ही वक्त मुझे सीखना भी है और खुद के लिए अलग राह भी बनानी है।
यह दोनों काम एक साथ करने थे। और कला जो कि एक अगर एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है और उसको अगर खुद आगे बढ़ना है तो उसके कई सारे गुरु होते हैं। मेरे लिए मेरे जीवन के अनुभव, थोड़ा बहुत अर्जित किया हुआ ज्ञान और कला क्षेत्र में कुछ माने हुए कुछ दिग्गज है जिन्होंने मेरे कला के ऊपर जो भी कुछ समीक्षा की हो और जिसमें से मुझे जो कुछ भी रियलाइज़ हुआ हो कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे हमेशा मार्गदर्शन करती रही। मेरे हर पड़ाव पर मिलते हुए मेरे जितने भी अनुभव थे उन्होंने अगली दिशा तय की। सही कला समीक्षा ने मुझे गलत राह भटकने से बचाया। मैंने ये सुना था कि आपकी निरंतरता आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। मैंने इसी मूल मंत्र को अपनाया और कला की निर्मिति में माध्यम बनने की मेरी जो निरंतर कोशिश थी। जी, कोशिश ही है जो कलाकार को अपना रास्ता तय करने में मददगार साबित होती है। अच्छा, आपके चित्रों में जो टेक्सचर है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही निर्माण होता है, क्योंकि जैसे विचार वैसे हमारा आचरण होता है। हमारे विचार, हमारे जीवन के आदर्श, हमारे संस्कार, यही तो हमारे पहचान बनाते हैं। और जीवन में, समाज में हमारी जो भी प्रतिक्रिया होती है वो व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरह के पहलू दिखाती है जो कि हमारे व्यक्तित्व का सटीक परिचय देते हैं। अगर दृश्य कला के नज़रिए से इन सब बातों को मैं देखता हूँ तो मुझे ये सारे अलग अलग टेक्सचर की तरह नज़र आते हैं और मेरे चित्रों में जो भी मानवीय आकार बनते हैं वो भी इसी तरह से अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। मेरे इसी विचारों को, इसी विषयों को मैं देवनागरी कैलीग्राफी के माध्यम से एनहांस करने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ साथ काफ़ी सारे डेकोरेटिव फॉर्म्स भी मेरे टेक्सचर्स में नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं मुझे जीवन से ही प्रेरणा मिलती है इन सारे टेक्सचर्स को क्रिएट करने के लिए। मेरे चित्रों में अगर आप देखो तो बुद्धा, कबीर और अन्य कई सारे संतों द्वारा लिखे गए, बताए गए बातें और कई सारे दोहे लिखे हुए नज़र आते हैं। और जहाँ तक कंपोजिशन और कलर पैलेट की बात होती है उस पर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी जो भी मानसिकता होती है, जो भी स्टेट ऑफ माइंड होता है वो उसके ऊपर निर्भर होता है। तो मेरी ये भी सोचता हूँ कि ये फ़िलहाल मेरी कला यात्रा का शुरुआती दौर है और आगे भी निरंतर बहुत सीखना है, बहुत चलना है। इसलिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी व्यस्त रहता हूँ और काफ़ी सारा नया वर्क भी मेरा जारी है। आपको जल्द ही वो भी वर्क देखने मिलेगा, आशा करता हूँ वो भी आपको पसंद आए। जी, चित्र निर्माण के वक्त आपके मन में क्या विचार आते हैं और उसको आप कैनवास पर कैसे उतारते हैं? चित्र निर्माण होते वक्त मन में कई सारे विचारों के तरंग निर्माण होते हैं। मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना यह भी है कि हर कलाकार कहीं ना कहीं अपने जीवन को ही अपनी कला द्वारा साझा करता है। हाँ, उसके साकार करने के तरीके अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, व्यक्तिगत ज़रूर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी इसी प्रयास में जुटा हुआ हूँ। मैं एक ध्यान साधक भी हूँ और जिसकी वजह से जीवन के प्रति मैं काफ़ी हद तक सजग रहने का प्रयास करता रहता हूँ और शायद इसी वजह से जीवन के कई सारे पहलू के बारे में मन में अक्सर कई सारे ख्याल आते रहते हैं। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा ख्याल, कुछ चुनिंदा विचार मैं अपने चित्रों में निर्माण करने का प्रयास करता हूँ। इस प्रक्रिया का जब मैं हिस्सा बनता हूँ उस दौरान मैंने जाना है कि कई सारे अनगिनत संभावनाओं का जन्म होता है जो शायद आपके जहन में कभी आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे चित्र खुद भी सिखाते हैं। अब मेरा यह भी मानना है कि जो चित्र है वो सिर्फ चित्र ना रहकर वो मेरे लिए कहीं ना कहीं स्वयं को जानने का एक प्रयास बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नए जो कलाकार मित्र हैं वह स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे नए कलाकार मित्रों के लिए मुझे कुछ बातें कहनी है। उसमें से
एक बात यह है कि हमें हमारे काम के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना है, हमें उसके साथ हमेशा डायलॉग करते रहना है। हमारा जो ब्लैंक कैनवास भी होता है वो कई बार हमें कई सारी उम्मीदें लेकर आपसे बात करना चाहता है, हमें उसे जानना है। हर चित्र निर्मिति होते वक्त कई सारी नई संभावनाओं को जन्म मिलता है, उसे सजग होकर समझे, उसे समझने की कोशिश करनी है। और अत्यंत महत्वपूर्ण जो कि हमें यह समझना है कि हमें रुकना कहाँ है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। मैं अपने दोस्त गोविंद विश्वास को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह वीडियो पूरा देखा और मेरी कला यात्रा को जानने का एक प्रयास किया। और आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको यह पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इसी के साथ हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई आपका, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। इससे नए आने वाले स्टूडेंट्स व जो भी कलाकार हैं वह इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सहायक ज़रूर होगी ये बातचीत। और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी विज़िट करना चाहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।